और आता नहीं है, जो निकल जाता है बार बार आता नहीं है। हमने आपने जरूर ही प्रारब्ध में कुछ अच्छा किया होगा, उसका हमें ये फल प्राप्त हो रहा है। जो दिखाई दे रहा है संसार में यह असत्य है, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। दिखाई दे रहा है ये असत्य है, और सत्य सत्य का कोई रूप नहीं होता है, उसका एहसास किया जा सकता है। हमारे तुम्हारे अंदर जो पांच तत्व हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, इनके प्रति सजग रहना चाहिए। अब पांच तत्वों के अलावा यदि हम दूसरी ओर ध्यान देते हैं तो फिर हमारे इस मंदिर को क्षति पहुंचती है। उदाहरण के लिए, बहुत सत्य कड़वा होता है और कोई पचा नहीं सकता। जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो दवा दी जाती है, तो दवा मीठी नहीं होती, कड़वी होती है। आपको बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने नब्ज पकड़ के कह दिया कैंसर हो रहा है तुम्हें, तो बीमारी बड़ी है बेटी। डॉक्टर के पास जाकर के बीमारी समाप्त करने की सोच रहे थे, इन्होंने बीमारी और बढ़ा दी। तो ऐसा ही सत्य होता है, सबसे पहले आपको खंगोलता है कि पात्र ठीक ठाक है कि नहीं। गंदी थाली में, गंदे बर्तन में खीर नहीं परोसी जा सकती। इसी तरह से गंदे पात्र में अच्छी बातें कभी प्रवेश हो ही नहीं सकती। जिनकी प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है उनके अंदर सत्य बात जा ही नहीं सकती। नजरिया अलग अलग होता है, पांडाल को देखने में पूरा दिन गुजार देते हैं, कमियों को ढूंढने में पूरा दिन गुजार देते हैं। ये ऐसे नहीं, ऐसे होता तो और अच्छा लगता। सत्य आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, और हम और आप क्या हैं? आंखों के गुलाम हैं, जीव के गुलाम हैं, स्वार देखते हैं हर चीज में, अपने इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं हम और आप। हमारे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो फिर सत्य की तलाश कैसे कर पाएंगे? सत्य अपने आप में छुपा हुआ है। सीधी सीधी भाषा में ये कह लो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पूजा पाठ भी ना कर पाओ तो तीन प्रकार से किसी को कष्ट मत दो, मन से, वचन से और कर्म से। कोई जरूरी नहीं है पूजा पाठ करना, किसी को कष्ट मत दो, धोखा मत दो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाग्रहो भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे। अब हम सुखी क्यों नहीं है? सुखी इसलिए नहीं है कि हम अपने मन के नौकर बन चुके हैं। सुख कैसे मिलेगा? सबसे पहला सुख क्या है? पहला सुख हो गया ना, तो बाकी के सुख अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। पहला सुख बताया, दूर
पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि काया में किसी प्रकार का रोग ना हो जाए। रोग भी कई तरह के होते हैं, एक तो शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। मानसिक रोग उसे कहते हैं, मानसिक रोग बहुत खतरनाक होता है भैया, जिसे चिंता कहते हैं। चिंता जिंदा इंसान को जला डालती है, चिता तो मरने के बाद ही जलाती है। मानसिक रोग नहीं होना चाहिए, शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें अपनी इस काया का ख्याल रखना है। रोगों से बचाने के लिए करना क्या है, पौष्टिक आहार लेना है, दूषित भोजन नहीं करना है, जिससे तमोगुण बढ़ता है ऐसा भोजन नहीं खाना है। तो तमोगुण पड़ेगा तो क्रोध आएगा, ये भी तो बीमारी है एक तरह की। आज बहुत सारे लोग क्रोध के शिकार हो चुके हैं। तो पूरी तरह से सबसे पहला सुख तब माना जाता है जब हमारी काया में किसी प्रकार का रोग ना हो। अब दूसरा सुख कितना होना चाहिए, कौन सा है, घर में माया कितनी होनी चाहिए। साई बाबा कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और संत न भूखा रहे। और हमें काय की जरूरत है, जोर जोर के इकट्ठा कर लिया ना तो रात को नींद नहीं आएगी, गोली खानी पड़ेगी, नींद वाली कहीं चोर न चुरा ले जाए। इतना होना चाहिए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और घर में चाहे एक इंसान आ जाए, 50 अतिथि आ जाए, वो भी भूखे ना जाए। इतनी तो माया होनी चाहिए, जो सुख के साधन है वो होना चाहिए। तीसरा सुख बहुत ही जरूरी है, कौन सा, सुलक्षणी नारी। घर के अंदर जो नारी होती है ना, वो राष्ट्र की निर्माता बताई गई है, गृह चालिका बताई गई है, गृह स्वामी जिसे कहते हैं, गृहिणी जिसे कहते हैं। तो गृहिणी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर लक्षण अच्छे हो, अच्छे लक्षण, सुलक्षणी। सुलक्षणी कहते हैं सुंदर लक्षण वाली, कमाई के हिसाब से खर्च करे। यह नहीं है कि आमदनी 50 पैसा और खर्चा रुपया, तो फिर मिटने के लक्षण हो जाएंगे। किसी विद्वान ने कहा है, ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण है पिटने के। आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण है मिटने के। फिर कभी उस घर की बरकत नहीं हो पाएगी, इसलिए गृहिणी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि हमें पूरे घर का खर्चा चलाने के साथ साथ में भविष्य के लिए किस तरह से बचाना है। चाणक्य के कहते हैं कि कुछ धन ऐसा बचा करके रखना चाहिए जब कोई आपत्ति आ जाए अचानक तो उसमें काम आ सके। कोरोना काल में इन्होंने बचा के रख लिया, वो तो आराम से अपने घरों के अंदर बनाते खाते रहे, और जिनका बचा नहीं था वो बेचारे बहुत परेशान रहे थे।
तो घर में माया भी जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि हमें घमंड हो जाए। तीसरा लक्ष्य सुख हो गया, नारी सुलक्षणी है, तीन सुख हो गए बराबर। अब चौथा सुख सबसे महत्वपूर्ण है, जो संतान हो गए घर में, चाहे लड़की हो या लड़का हो गए, आज्ञाकारी हो, बिना बताए घर से ना कहीं चला जाए, किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले परामर्श जरूर ले ले। पहले ऐसा ही होता था, पहले भगवान श्री राम भी एक काम किया करते थे, आप राम को भगवान मानते हैं तो आप भी भगवान बन सकते हो। वो कैसे? तुलसीदास ने सिद्ध किया, प्रातः काल उठ भगवान श्री राम जी सुबह सुबह एक काम करते थे, जरूरी काम था, प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों में माथा रख करके प्रणाम किया करते थे। आजकल के रघुनाथ कैसे हैं ये आप लोग जानो, तो फिर भगवान कैसे हो सकते हैं? सुत आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। ये ना देखो कि दुनिया में हो क्या रहा है, सबसे पहले अपने आप को झांक करके देखिए। दुनिया को बुरा बताने वालों, अंदाजा करके देख लेना, तुम जिसके ऊपर एक उंगली उठाते हो ना, तो बाकी की तीन उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। तुम ये कहोगे कि वो बहुत गलत है, तो तीन उंगलियां तुमसे कह रही है कि तुम तिगुने बुरे हो, कभी गौर नहीं किया आपने। तो इसलिए बुरा ना बताओ, सबको अच्छा बताओ, सब अच्छे हैं। सबसे पहले अपने परिवार को देखो, अपने घर को देखो, अपने अंदर झांक करके देखो, उसके बाद में दुनिया का अवलोकन करो, नहीं तो समय ही नहीं मिलता। आज के जमाने में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है। भागवत की कथाओं के माध्यम से, शक्तिपीठ के माध्यम से हम यही जागृति करना चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्य पे डट जाओ ना, तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। कर्तव्य नहीं करते हम, आंखों के गुलाम, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, कानों के गुलाम, सुनने में अच्छी नहीं लग रही बातें, स्वाद जीव के गुलाम हो गए, पेट भर के भोजन खा लिया फिर भी अगर किसी ने अच्छा बना लिया तो लाओ, नहीं मानते हो तो क्या देखना चाहिए, समय क्या है, कितने बज रहे हैं और हमारी उम्र क्या है और भोजन का तत्व तो क्या है, इसमें तासीर क्या है। शाम के समय पे अगर आपने मट्ठा पी लिया तो बीमारी निश्चित, तो समय देखना चाहिए, उम्र देखनी चाहिए अपनी है, उम्र बचपन की है और समोसे खा रहे हैं तो क्या होगा। उसका कैमरा ऐसा है कि हर जगह लगा हुआ है, दुनिया की नजरों से आप बच सकते हैं, लेकिन उस एक सैटेलाइट कैमरा से नहीं बच पाओगे जो परमात्मा का कैमरा है। We'll be right back.
अक्सर आपने देखा होगा। अपनी माँ की बात न माने सास बनाली बिटिया, लोग कहते हैं कि बेटियां पराई हो जाती हैं शादी के बाद, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बेटियां पराई नहीं होती, बेटे पराई हो जाते हैं। शादी ना करो तब तक वो तुम्हारे गुलाम है, और शादी कर दी तो फिर वो गुलाम नहीं रहेंगे। अपनी माँ की बात नहीं पूछते, और सास का फोन आ जाए तो हाँ मम्मी है ना, चिंता मत करो बनवा दूंगा, अगली तनख्वाह पे बनवा दूंगा। और भाई की बात नहीं मानी जाएगी, और साड़ू का उनका फोन आ गया तो हाँ भाई प्लॉट खरीद रहे हैं, सही रहेगा। इतना ही नहीं कथा भागवत सुन ले कमाई को ऐसी जगह खर्च नहीं करेंगे जहाँ भगवान की चर्चा चल रही हो। कथा भागवत सुन ले आवे एक मनाए रुपया, और मैया हो रही है दैया 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 दे है, वहाँ चाहे जेब खाली हो जाए सब सब्जी को रुपया ला रहे हैं, लेकिन पूरा नाम कम नहीं होना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। और भी देखने को आपको मिल जाएगा क्या, बहन भांजी घर में आवे कोई न बात पूछिया, बहन जी रसूलाबाद कर गई भैया से फोन करो तो भैया रसूलाबाद उतर गए, अभी हमसे कोई गाड़ी ना मिल रही, उठा ले जाओ शादी वाली गाड़ी ले आओ। श्रीमती की नजर पड़ी, बोले किसका फोन है, बोले हमारी बहन को फोन है, कहाँ है रसूलाबाद है, क्या कहती है कोई मिलो नहीं जाओ ना, कोई नहीं मिलो है, कह रही शादी वाली गाड़ी ले आओ। तो श्रीमती यहाँ पे दिखा जाई है, भगवान जब से गाड़ी आई तब से निकल चुका है छुट्टी की पुरानी खरीदारी है, कह दे हुए राम प्रकाश दुकान बंद करके आगे अपने कपड़ में जिन्हें के चले चली आ रहे व्यक्ति पे बैठी नहीं जाने दी। बहन भांजी घर में आई कोई न बात पूछिया, साली जी ने फोन किया तो रेल से आई रेल से साल गाँव तरी जी जगह स्टेशन पर, उन्होंने चचवा फोन निकालो कान से लगा लो, हेलो जीजा सिंह नमस्ते नमस्ते ले जाओ वहाँ धूप पड़ रही है, हाँ
तब श्रीमती की नजर पड़ी किनका फोन है, बोले तुम्हारी सिस्टर का फोन है। तो फिर हमारा फोटो क्यों करेगा तुम, जा ले यार। एक दिन रुकी, दो दिन रुकी, तीसरे चौथे दिन बोली भाभी जी, भाभी जी हमारी बहन से रहती है जो हमारे अलावा किसी को दूर दूर नहीं है, तो हमें जाना चाहिए, हमें याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए चले आए। तो भाभी कहते ठीक है दीदी, ये सुनते ही गई हमारी, हम सब कह रहे कि मैं घुमाएगा उनके यहाँ, जा चलने ठीक है दीदी, घूम जाओ कभी ऐसे। कुछ नहीं दिया भाभी ने, ऐसा ही कर ली है। अब काली एक हफ्ता बाद कहने लगी रिजा जी जाना है, तो श्रीमती जी कह रही है कुछ इंतजाम कर लो, वो कह रहे एक रुपया ना है हमारे पास, बोले चलो बकरियां बेच के करोगे वैसा भरोगे, ये तो गीता का ज्ञान है। लेकिन कलयुग में तो गीता का ज्ञान भी फेल हो गया। गीता कहती है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसे भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो गीता का ज्ञान भी फेल हो गया भैया। करता कोई और है और भरता कोई और है, ऐसा हो गया है। एक माँ के पेट में बालक होता है तो उसे पता नहीं होता कि बेटी है या बेटा है, वो इसलिए परवरिश बनाती है बिना पक्षपात किए हुए कि जो भी हो। लेकिन होता क्या है, उस माँ को मिलता क्या है, बेटी की शादी कर दी जाती है और बेटा आंख दिखाने लगता है, रुआ बुलवाने लगता है। एक माली बाग लगाता है, रखवाली करता है पूरे दिन, चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, गर्मी हो, बगिया की रखवाली करता है, लेकिन जब फल आने वाले होते हैं तभी बदमाश उसे मार डालते हैं। बताओ उसे क्या मिला। भक्तों इसलिए सिर्फ अपने आप को देख लो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बंदूक चल रही है अपने आप खरीदा रहे। इस दुनिया में कुछ पता नहीं है कि कब हमें इस गाड़ी से उतरना पड़ जाए। संसार रूपी गाड़ी में हम और आप बैठे हुए हैं, कब हमारा मुकाम आ जाए। जिस प्रकार से गाड़ी को हाथ देते हैं और बैठ जाते हैं,
फिर हमारा जहाँ भी स्थान होता है गांव आ जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, होकर जाते हैं और जब तक बैठे होते हैं तब तक हम परिचय जरूर ले लेते हैं, भैया कहाँ जा रहे, कहाँ से आए हो, घर में सब ठीक ठाक है। तो ये गाड़ी ही तो है, ले लो परिचय, किसी को कष्ट ना हो। कोई पता नहीं कब जाना पड़े यहाँ से, पता है क्यों? साथ में अच्छा नहीं किया या मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम जैसे कर्म करते हो उस हिसाब से तुम्हारा अंत हो जाता है। परिचित महाराज जी बता दो कला कहाँ पहुंची है, जाओ ना कौन मार तो चेहर दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज हरिहर क्षेत्र में Thank you.
हरिहर क्षेत्र में परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, जिन्हें सर्प के काटने का भय है। और सर्प के काटने का भय तो हम और आप सभी को है। ये सर्प क्या है, इसी को काल कहते हैं, काल रूपी सर्प है। हंसापुर से चल करके आए हैं श्री चंद्रशेखर। और पहले भाई को रामानंद सागर रामानंद का दिखाने का कार्य, ये जो चंद्रशेखर हैं, इन्होंने इस समय फूलों का हार पहना के हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। हंसापुर में हो रही भागवत के प्रमुख श्रोता रह चुके हैं, जैसे यहाँ परीक्षित बैठे हैं ऐसे ही परीक्षित बन चुके हैं। परीक्षित को 7 दिन में सर्प काटने वाला था, तो हमारा आपको भी 7 दिन में सर्प काट लेगा। आप सोचेंगे वो कैसे, तो दिन तो 7 ही होते हैं, 8वां दिन आता ही नहीं है। गिनती करके देख लो, इन्हीं 7 दिन में हम और आप आते हैं, इन्हीं 7 दिन में चले जाते हैं। हमारे सभी संगीतकारों का माला पहना करके सम्मान, और साथ ही 51 मुद्राएं दे करके सम्मानित किया जा रहा है, और 101 मुद्राएं हमें दे करके सम्मानित किया। चंद्रशेखर राजपूत जी निवासी हंसापुर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से चल करके यहाँ आए हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए परमपिता परमात्मा से यही दुआ मांगते रहते हैं कि ये जहाँ भी रहें खुश रहें, परिवार रूपी फुलवारी हमेशा खिलती रहे, हर मनोकामना पूर्ण होती रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। हम तो इन्हीं 7 दिन में आते हैं, इन्हीं 7 दिन में चले जाते हैं, वो भी बिना मुहूर्त के, बिना मुहूर्त के यहाँ आ जाते हैं और बिना मुहूर्त के ही चले जाते हैं। लेकिन जब तक जिंदगी रहती है तब तक मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये काम करना है तो मुहूर्त क्या होगा, ये काम करना है करूं कि ना करूं। अरे कुल मिलाकर के ये सिद्धांत बना लो कि यदि अच्छा कार्य दिमाग में आ रहा है तो देरी ना करो, और अगर बुरा कार्य दिमाग में आ रहा है तो जितना समय टाल सको उतना समय टाल दो। रावण जैसा विद्वान कोई ना है, ना हो सकता है, ना हुआ था, कोई भी नहीं है। शंकर भगवान ने जब लंकापुरी का निर्माण कराया था पार्वती के कहने पर के पिया ऐसे जंगल में पड़े रहते हो, हमारा भी सुंदर मकान होना चाहिए, तो पूरी लंका भोले बाबा ने विश्वकर्मा के द्वारा कुबेर के द्वारा बनवा दी, और ऐसी जगह बनवाई समुद्र के बीच का अपना अलग नगरिया बना ली भोले बाबा पार्वती के रहने के लिए। अब मकान तैयार हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है, गृह प्रवेश हवन कराया जाता है। तो हवन कराने के लिए किन्हें बुलाया था पता है, रावण के पिताजी को बुलाया था, बहुत बड़ी विद्वान। गृह प्रवेश हुआ, हवन हुआ, अब शंकर जी ने कहा दक्षिणा में क्या दे तुम्हें, तो विश्व सर्वा की नियत खराब,
नियत खराब हो गई सोने की लंका देखते। बोले देना चाहते हो तो जय दे दे मोरे। बोले तो भाले हैं, बोले तो हैं ही, प्रसन्न हो जाए तो भोले हैं, और क्रोधित हो जाए तो फिर भाला, भाले हैं भाले। इसलिए भोले भी कहा जाता है, भाले भी कहा जाता है। दे दी, इतना बड़ा विद्वान रावण था, लेकिन बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि अच्छा कार्य दिमाग में सोच रखा था उसने कि अग्नि से धुएं को समाप्त कर दूंगा और धरती से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा, हैं, जिससे लोगों को परेशानी ना होगी। एक जिंदगी में कई बार स्वर्ग घूम आओ फिर आ जाओ, ये अच्छा काम था। एक और अच्छा काम था कि किसी माँ बाप के सामने उसकी संतान को मरने नहीं दूंगा। तो इसमें तो तेरी लगाई, तब तक सुपन का आ गई तो उसमें तेरी नहीं लगाई, पराई नारी को उठा लाए, बस यहाँ से बर्बादी की शुरुआत। तो ज्ञान नष्ट हो जाता है बुरे विचारों से, ध्यान रखना। इसलिए तुम्हारे दिमाग में अगर अच्छा कार्य करने की आ रही है तो बिना मुहूर्त के कर डालो, और बुरा कार्य सोच रहे हो तो समय टाल सको उतना टाल दो, बस एक सिद्धांत बना। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ज्ञान कराते हुए बता रहे हैं, हे राजन परीक्षित, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को अपने हाथों से जेल दे दे, लेकिन पतिव्रत धर्म के वशीभूत होकर के धर्म संकट में पड़ के माँ ने अपने पहलाद को जेल दे दिया था। उसने सोच लिया कि एक तरफ तो पतिव्रत धर्म है और एक तरफ मेरी गोदी खाली हो रही है। सोच लिया गोदी खाली हो जाए कोई बात नहीं है, गोदी तो फिर मेरी भर जाएगी, परंतु पतिव्रत धर्म चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ऐसी ऐसी पहले की माताएं थी। जहर दे दिया, थोड़ा हाथ में लिया, शंकर भगवान ने जहर का पान कर लिया, बालक पे कोई असर नहीं पड़ा है। तब तक हेड़ा खुश आ जाता है अपने मंत्री के साथ में, तो माँ और बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी मंत्री कहने लगा, देखो महाराज मैंने कहा था ना, कोई ऐसी माँ नहीं हो सकती जो अपने बेटा को जहर दे के मार डाले। एड़ा कच्चप कहने लगा, बात तो तुम सही कह रहे हो, कयादू से पूछा गया, कयादू क्या हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तुमने? कयादू ने वो कटोरा हाथ में लेकर के कहा, पिया इस कटोरे में जहर मैंने अभी दिया है। अच्छा, माँ होकर के जहर दे दिया, बेवकूफ बना रही हूं, हमें हमारे आदेश का पालन नहीं किया? कया जो कहने लगी, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाती हूँ पिया, मैंने जहर दिया है। तब तक मंत्री बहुत चालाक था, मंत्री कहने लगा, महाराज अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी कुत्ते को बुला लो और ये कटोरा जो बचा है ना इसमें छटवा के देख लो, अगर कुत्ता मर जाता है तो समझो जहर दिया है, कुत्ता नहीं मरा तो जहर नहीं दिया। कुत्ता बुला लिया। फिर राजा के दिमाग में एक बात आई, मंत्री एक काम करो, मुझे भी लगता है कि इसमें जहर नहीं होगा और तुम्हें भी लगता है कि इसमें जहर नहीं होगा, यही कह रही है अकेली के जहर है, ऐसा करो तुम ही चाट के देख लो। मंत्री कपकपाने लगा, महाराज अगर इसमें जहर हुआ तो क्या है, तेरी जगह कोई दूसरा मंत्री आ जाएगा, कटोरा चाट के देखो जल्दी, प्रैक्टिकल करना है। मंत्री कहने लगा, महाराज इसमें जहर हो सकता है? अरे अभी कह रहा था कि जहर नहीं है, और कह रहा है जहर हो सकता है, हो सकता ही तो है, अभी मालूम पड़ जाएगा ना, चल चाट के देख।
मंत्री कहने लगा महाराज अभी इसी वक्त छुट्टी दे दो मुझे। एड़ा कल्च अपने म्यान से तलवार को निकालते हो कहा मंत्री मंत्री कहा वैसे ही कटोरा होठों से लगा लिया जरा सा जहर का असर मुंह में गया जीभ लड़खड़ाने लगी। मंत्री कहने लगा महाराज हम तो गले क्या हम तो गले। देखते ही देखते मंत्री का प्राणांत हो गया राजा को विश्वास हो गया। अब प्रहलाद की तरफ देखते हुए कहने लगा कौन सी शक्ति है तेरे अंदर। प्रहलाद कहने लगा पिताजी जिस शक्ति का आवाहन जिस शक्ति का सुमिरन मैं करता हूँ तुम भी करने लगो ना तो तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। कभी प्रहलाद ने अपने पिता से बुरा भला नहीं कहा था शास्त्र प्रमाण देता है इस बात का। आजकल के लोग सवाल उठाते हैं कि अगर हिरण्यकश्यप जैसे भी पिता हो तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो प्रहलाद जैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ में है तो तुम्हारे पिता कैसे भी है समय रहते सीधे रास्ते पर आ ही जाएंगे कभी ना कभी पर तुम उनके उनके जैसे ना बनो अगर वो बुरे हैं तो। हिरण्यकश्यप ने कहा तू ऐसे नहीं मरेगा सिपाहियों को बुलाया और आदेश दे दिया सिपाहियों हमारे यहाँ जो काल कोठरी बनी हुई है उसमें इसे एक रात के लिए बंद कर दो सुबह हो जाए तो इसकी लाश को उठा के पहाड़ी के पीछे समुद्र में फेंक देना। ऐसा ही हुआ प्रहलाद को काल कोठरी में ले जाया गया जहाँ पर अंधकार ही अंधकार था हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उसमें था क्या काल कोठरी को काल कोठरी क्यों कहते थे राजाओं के यहाँ सजा देने का एक ये भी नियम था एक अंधेरे कमरे में जहरीले जीव जंतु छोड़ दिए जाते थे ततैया बरैया बिच्छू कांतर सांप जैसे ही प्रहलाद उसके अंदर धक्का मार के गिराया है और दरवाजा बंद करके सिपाही तो चले जाते हैं लेकिन प्रहलाद ने आसन लगाया और बैठ गया प्रभु श्रीमन नारायण 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 का स्मरण किया न बिच्छू का डर न सांप का डर हुआ क्या सांपों की तो माला बन गई फूलों की प्रहलाद के गले में फूलों के हार सांप बन गए बिच्छुओं के फूल बन गए। अरे उसमें इतनी बदबू आ रही थी प्रहलाद को जाते ही वहां खुशबू ही खुशबू आने लगी पूरे कमरा में। रात भर आराम से भजन किया सोचने लगा ये अच्छा मौका मिल गया चलो इतना समय तो मिला ही भजन करने का मुझे पिताजी से अलग रह करके सवेरे जो होगा वो देखा जाएगा प्रभु आप जानो। सवेरा जैसे हुआ हिरण्यकश्यप कहने लगा सिपाहियों उस बालक की लाश को निकाल के पानी से समुद्र में फेंक देना या ऐसी जगह फेंकना जहां चींटियां खा ले उनका पेट भर जाए। दो सिपाही गए कुंडी खोली गई और जैसे ही दरवाजा खोला तो उसमें इतनी सुंदर सुगंधी आ रही थी सिपाही तो मंत्र मुक्त हो गए अरे अरे भा सुगंधी कितनी अच्छी है। सिपाही सुगंधी सूंघने में लगे रहे तब तक प्रहलाद किनारे से होकर के निकल गया अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा पिताजी जय सियाराम। हिरण्यकश्यप कहने लगा तू यहाँ पीछे से सिपाही आ गए बोले महाराज लाश गायब हो चुकी है। हिरण्यकश्यप कहने लगा कमीनो लाश गायब हो चुकी है ये कौन खड़ा है महाराज भूत तो नहीं है। प्रहलाद कहने लगा मुझे छू के देख लो मैं भूत नहीं हूं भविष्य नहीं हूं मैं वर्तमान हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा तू कैसे बच गया। प्रहलाद कहने लगा यही तो प्रभु की माया है जाको राके साइया मार सके ना कोई बारना बांका कर सके जो जग बैरी हो पूरा संसार बैरी क्यों ना हो जाए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्यों क्योंकि मेरा रखवाला ऊपर वाला है।
हिरणा कश्यप सोचने लगा, मैंने भी तय कर लिया है, तेरे रखवाले को भी नाक ना रगड़वा दे तो मेरा भी नाम हिरणा कश्यप नहीं। सिपाहियों को अब की बार इसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि सजा को सुनकर सजा भी कांप जाए। महाराज क्या करें, ले जाओ पहाड़ी के ऊपर, इसकी पीठ पे भारी सा पत्थर बांध देना और धक्का मार के समुद्र में डाल देना, मछलियां खा जाएंगी। सिपाही ले गए, पहाड़ी पे चढ़ा लिया, पीठ से भारी पत्थर बांध दिया। कैलाश कहने लगा, क्यों कर रहे हो ये जुल्म मेरे ऊपर, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। सिपाही कहने लगे, नौकरी का सवाल है, करना तो पड़ेगा। पीठ से पत्थर बांध करके कैलाश को जैसे ही नीचे धक्का मारा है तो भगवान की माया से फूलों की सेब बन गई, बिल्कुल आंच भी नहीं आई, एकदम फूलों की सेब पे लुढ़कता हुआ आया। सिपाही लौट के नहीं आ पाए तब तक कैलाश आ गया, बोला, पिताजी जय सियाराम। हिरणा कश्यप कहने लगा, ये कमबख्त मैं बताता हूँ वो करते क्यों नहीं। तब तक सिपाही भी आ गए, महाराज समुद्र में फेंक दिया, मछलियां खा रही होंगी। हिरणा कश्यप ने कहा, ये कौन खड़ा है। कैलाश कहने लगा, पिताजी जो समय गुजर रहा है ना बहुत कीमती जा रहा है, एक बार मेरे कहने से मेरे रास्ते पे चलने लगो तो पूरे परिवार की लाज बच जाएगी, वरना विनाश की तरफ जा रहे हैं आप। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, आपके अंदर अहंकार ने घर बना लिया है पिताजी, और इस अहंकार ने काफी लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो करो पिताजी, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया किस बात की मुझे सजा मिल रही है। एड़ा कश्यप कहने लगा, ऐसे हार मानने वाला नहीं हूं मैं, ऐसा करो एक लोहे के खंभे को गर्म करवाओ, पहलाद कहने लगा, जो जी में चाहे वो कर लो पिताजी, तुम भी देख लो कि भगवान के भक्त कैसे होते, भगवान के भक्तों से कभी भी बहस मत कर लेना, याद रखना भक्त कौन होते हैं, संत महात्माओं से कभी बहस मत करना, गरीब से कभी बहस मत करना, यही भगवान के सच्चे भक्त माने जाते हैं। और जो पैसों में पल रहे हैं भगवान उनके आसपास भी नहीं है, उनके प्रारब्ध का कुछ पुण्य है उसका उन्हें फल मिल रहा है। हिरणा कश्यप के दिमाग में आया, खंभे को गर्म करके तो बहुत जल्दी मर जाएगा, ऐसा करते हैं एक कढ़ाई में तेल गर्म करवाते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म करवाया गया, तेल जब खोलने लगा तो कैलाश को बुला करके कहा, अगर तेरा भगवान तुझे बचा लेता है हर जगह से तो यहाँ भी बचा लेगा, चल इस कढ़ाई में कूद जा, खड़ा हो जा। तब तो कैलाश हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, प्रभु अब तक बचाते आए हो तो आज और लाज बचा लो, ये भी चमत्कार दिखा दो इन लोगों को। तो भगवान ने एक मेंढकी का रूप बनाया और खोल हुए तेल में पानी की तरह तैरने लगे, और किसी को दिखाई ना दे रहे, प्रहलाद को दिखाई दे रहे। प्रहलाद ने कहा, बोल नारायण भगवान की जय। और प्रहलाद इतना कहने के बाद कढ़ाई में खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके, आंखें फटी की फटी रह गई। हिरणा कश्यप ने फिर कलाई को पकड़ के बाहर निकाल लिया, हाथ में तलवार निकाली, जी तो चाहता है तेरे इतने टुकड़े कर दूंगे चीटियां भी न ढूंढ पाए, लेकिन ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। हिरणा कश्यप ने अपनी बहन सेहिका को बुलाया, जिसको होलिका के नाम से आप लोग जानते हैं, सेहिका नाम, जो तपस्विनी थी, शीतला मैया की पुजारिन थी, जिन्होंने प्रसन्न होकर के उन्हें ऐसा चीर दे दिया था जिसे पहन करके अग्नि में भी बैठ जाए तब भी चल ना पाए। ये कब आई अपने मायके में, लगत फागुन पूर्णिमा आने वाली है,
जैसे ही फागुन लगेंगे वैसे ही पूर्णिमा को होलिका आ जाएगी अपने मायके और आ गई। कहने लगी, भैया इसे तो मैं चुटकियों में समाप्त कर दूंगी, एक काम करवा लो। क्या? पूरे नगर वासियों से एक चिता तैयार करवाओ। एणाकश्यप का आदेश था, नगर वासियों ने बेचारों ने डर के मारे, कोई 5 कंडे ला रहा है, कोई 6 कंडे, कोई 7 कंडे ला करके एक चिता लगा दी। एक महीने का मौका दिया, एक महीने में जितना ऊंचा कर पाओ उतना ऊंचा कर लो। तो जो हेणाकश्यप के यहाँ शराब पीते थे, मांस खाते थे, उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि रात्रि में गए, किसी की चारपाई गली में पड़ी मिल गई तो चारपाई उठा लाए, होलिका पे रख दी नशे में। तो किसी के काम की लकड़ी पड़ी है उसे उठाया, होलिका पे रख दी। किसी के हरे हरे पेड़ों को काट लाए, होलिका पे रख दी। रात में काम रहता था उनका, ये आज भी चलता है। दानव भी है मानव भी है, आज खोज पाओ तो खोज लो। होली पे देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा अंतर मालूम पड़ जाता है, दानव कितने मानव कितने होली पे। और जैसे ही पूर्णिमा आई है फागुन की, होलिका प्रहलाद को लेकर के चिता के ऊपर बैठ जाती है और बैठ करके अपने भतीजे को समझाने लगी, बेटा मेरा भैया कह रहा है कि मान जाओ, वो तुम्हारे चाचा का दुश्मन है, तू क्यों नहीं मानते हो? तुम है हमारे घर में कोई दुश्मन का प्रचार करने वाला हो उसे जिंदा रहने का अधिकार हो सकता है क्या? प्रहलाद कहने लगा, बुआ मैं जिसे अपना पिता मानता हूँ, असली पिता मानता हूँ, वो तुम बता रही हो कि उसने चाचा को मार दिया, लेकिन तुम्हारी भी कहानी तो मैंने पढ़ी है, तुम्हारी कहानी भी मैंने सुन रखी है, बुआ क्या जवाब दे सकती हो? होलिका कहने लगी, क्या कहना चाहता है आखिरी बार कह ले। तो प्रहलाद ने जवाब दिया, बुआ जी। एक बात पूछूं, तुम कह रही हो मेरे पिता ने मेरे चाचा को मार दिया, चलो मानते हैं। मेरे पिता ने अगर मेरे चाचा को मारा है तो तुम्हारे पति यानी हमारे फूफा को किसने मारा? वो तो तुम्हारे सगे भाई ने मार दिया कि नहीं मार दिया? इतनी बात को याद दिलाया, होलिका को पुराना इतिहास याद आ गया। तू ये समझता है कि मैं तुझे बचाने को आई हूँ? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर तू बचने की कोशिश भी करता ना और तू मान भी जाता, माफी भी मांगता, तब भी तुझे छोड़ती नहीं, क्योंकि मैं उसी दिन कसम खा चुकी थी कि तेरे खानदान के एक एक चिराग को बुझा डालूंगी मैं। आवाज लगा दी आधी रात के समय, भैया आग लगवा दो। जैसे ही आग लगाई, चढ़ पड़ की आवाज होने लगी, धुआं उठने लगा, प्रहलाद को खांसी होने लगी। बुआ ये क्या कर रही हो? बुआ ये क्या कर रही? अब बुआ कहने लगी, कमीने बाहर मत जाना यहाँ से। हाँ, आग की लपटें जब ऊपर को पड़ने लगी हैं, तो प्रहलाद ने श्री हरि विष्णु को याद किया और कहने लगा,
याद रखना, भक्त जब भाव से पुकारते हैं ना तो बहुत जल्दी आता है। उसी समय भगवान ने पवन को आदेश दिया, तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्ति है इतनी तेज चलो कि वो चुनरिया उड़ जाए और प्रह्लाद के ऊपर आ जाए। दो बार ही इतनी तेज हवा चली है, पता है कब कब चली? होलिका जली थी तब चली, 49 पवन, और हनुमान की पूंछ में जिस समय आग लगा दी थी उस समय भी 49 पवन चले थे। हनुमान कूद कूद के नहीं गए हर जगह, वो तो एक ही जगह रहे, लेकिन उनकी पूंछ इतनी लंबी हो गई कि पूरी लंका को उन्होंने स्वाहा कर दी। इतनी तेज हवा चली कि जो चुनरिया थी उड़ करके प्रह्लाद को ढक लिया। अब होलिका चिल्लाने लगी, जलने लगी, चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, और प्रह्लाद को भगवान ने ऊपर ही ऊपर उठा लिया। होलिका जल करके रात खुल गई, सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप के साथी लोग आए, हिरण्यकश्यप भी आया, हंसने लगा। सुना, देख लो इसका अंजाम, दे देख लो क्या होता है अगर हमारे साथ किसी ने बगावत की तो उसका भी यही अंजाम होगा। जब हम अपने बेटे को जला सकते हैं तो अगर नगर में किसी रहने वाले ने भजन किया तो समझ लो उसका क्या अंजाम होगा। सन्नाटा छाया हुआ, खुशी मनाने लगा हिरण्यकश्यप। फिर से शराब लाओ, बकरे कटवाओ, भैंसा कटवाओ, और पिला पिला के सबको धुत कर दिया नशे में। उसके बाद फिर चिता के पास आ जाते हैं शराब पी पी करके, तो दिमाग में आया कहीं बच न गया हो तो ईंट पत्थर मारने लगे उस चिता के ऊपर। और तो और इतने पागल हो गए कि दूसरे लोगों पे कीचड़ मारना शुरू कर दिया उन्होंने। खुशी ऐसी होती है क्या? यहां हम ये बताने जा रहे हैं कि राक्षस आज भी हैं, होली पे मालूम पड़ जाते हैं। जो ऐसा काम करते हैं वो दानव हैं, हिरण्यकश्यप के खानदान के हैं, याद रखो। अगर किसी अच्छा इंसान कोई जा रहा है इमरजेंसी में, जरूरी काम से जा रहा है, उसे पकड़ करके तुमने कीचड़ में डाल दिया तो क्या अच्छा कार्य हो रहा है? ये देवताओं का काम तो है नहीं, राक्षसों का काम है ना। जबरदस्ती, और क्या कह देते हैं, बुरा ना मानो, बोलिए पता नहीं कितने लोग खा जा। तब आज के जमाने में प्रह्लाद की याद आती है, दिल कहता है भक्त प्रह्लाद लौट के We'll be right back.
आजकल की कैसी है होली, भाई भाई चल रही पिता किसी को ना दे भगवान। शाम का समय हो गया, नशे में धुत बने रहे पूरे दिन हेणा कच्चप के संगाती। भगवान के पुजारी तो अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, अंदर से कुंडी लगा ली थी, हे प्रभु ऐसा कभी ना हो किसी के साथ। जब शाम घनने वाली थी उसी समय प्रहलाद को विष्णु भगवान ने छोड़ दिया, जाओ अपने पिता से जाके मिलो।
नशे में जो सब जश्न मनाया जा रहा था शाम के समय, उसी समय भक्त का इलाज पहुंच जाता है। हरी सभा के बीच में हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हिरणा कच्चप को भी नशा था, सिपाहियों को भी नशा था, अब एक प्रहलाद की जगह तब 10 प्रहलाद दिखाई दे रहे हैं, बड़े चक्कर में पड़ गए। हिरणा कच्चप कहने लगा, कमीने तू अग्नि से भी बच गया। प्रहलाद कहने लगा, यही तो पहली परीक्षा देख करके मैंने किसी को गुरु बनाया था। हाँ पिताजी, अब तो हद हो गई है, पानी सर से ऊपर चलने लगा है, आखिरी बार समझा रहा हूँ, मान जाओ मान जाओ। और क्या बोला वो बालक रो करके अपने पिता से, मानो मानो पिता हुई क्या मुझसे विद्यालय में आप गुरु जी से मेरी पिटाई करवा दीजिए। पिताजी मैं बचाता धन सोच लो अपने मन कर लगाई, आपने अपनी बहन को बुलाया, मेरा कुछ बिगड़ गया। चल चाहे दशानन श्रीलंका, बुआ जी जली से भी कुछ ना चली रे कोई नहीं ने आ रहा जगत में, जिसका जगत पिता है रखवाला, उसे कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन हम और आपको भरोसा नहीं है, बात ये है ना, आजकल हम और आप भरोसे के कच्चे हो गए हैं। आप किसी बस में बैठते समय क्यों भरोसा कर लेते हो कि कहीं बस चलाने वाला शराब पी के तो नहीं चला रहा है, क्यों घुस जाते हो उसको बिना मुंह सूंघे ड्राइवर का? सब घुस रहे हैं तो हम भी घुस जाएं, है ना? दुनिया के पीछे हम और आप लगे पड़े हैं,
एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। एक बहुत अच्छा मंदिर है, मंदिर और मंदिर की जो गैलरी बनी हुई है काफी लंबी है, दूर तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। उन सीढ़ियों के दोनों तरफ फूल बेचने वाले फूल बेचते हैं। जो भी मंदिर में जाता है पहले फूल खरीदता है, अगरबत्ती खरीदता है, नारियल खरीदता है, लेकिन बिजली कोई खरीद नहीं सकता। आरो अत्ता जाई तो फेंक के अरे यार क्या कहते हैं, बैटरी जा रही है, मर रही है।